हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्वेता एंड करंटली आई एम सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि आपका स्कॉलरशिप आता है या नहीं आता है, और आता भी है अगर बीएससी नर्सिंग में किसी का तो किसका आता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको जैसे जिन लोगों का स्कॉलरशिप आता है तो किन का आता है, देखो पहले आपके घर में किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। एंड आपकी जो फैमिली इनकम है, वन मिनट लिख देती हूँ नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाएंगे, किसी की भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, आप में से अगर कोई अभी अभी आया है, जैसे मतलब जैसे आप बीएससी कर रहे थे पहले से, बीएससी या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे थे आप, और आपने उसमें स्कॉलरशिप ले रखी है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। जैसे आपका इसी साल बीएससी कंप्लीट हुआ है और आपने इसी साल बीएससी नर्सिंग ज्वाइन किया है तो उस कंडीशन में आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने बीएससी कर ली है, इनकेस आपने बीएससी कर ली है लेकिन आपने वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं ली थी, तो आपका स्कॉलरशिप आ सकता है। एंड वो बच्चे जो जिनका जैसे अभी बीएससी कर रहे हैं, वो उनका एक साल हुआ था अभी, फर्स्ट ईयर चल रहा था या फिर सेकेंड ईयर चल रहा था, और वो बीएससी ड्रॉप आउट करके यहाँ पे आ गए हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो उनका भी स्कॉलरशिप नहीं आता है क्योंकि दोनों ही अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इस वजह से स्कॉलरशिप नहीं आता है। एंड ये तो हो गई कि इसका स्कॉलरशिप आएगा और किसका नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप आता है तो कितना आता है। तो देखो आपकी जो फ़ीस होती है टोटल 40,000 सबमिट होती है ऑनलाइन सीधी यूनिवर्सिटी को, जिसमें आपका थोड़ा कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप आती है। देन अगर आपका स्कॉलरशिप आ रहा है तो किसी किसी का पूरा 40,000 आ जाता है, तो किसी का 38,000 या फिर 37 इतना तक आ जाता है, 37 से कम किसी का नहीं आता है। अगर आपका आ रहा है तो आपका एटलीस्ट मतलब मिनिमम जो अमाउंट होगा वो 37 आ जाएगा, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा वापस हो जाता है। एंड जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस होती है जो आप काउंसलिंग के टाइम पे देते हो 5,000 रुपये, तो वो फ़ीस भी आपकी 1-2 मंथ में आ जाती है। जैसे ही सारे राउंड्स ख़त्म होंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, सारे राउंड्स ख़त्म होंगे आपकी, उसके 1 या 2 मंथ के अंदर आपकी काउंसलिंग जो सिक्योरिटी फ़ीस है 5,000 रुपये वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप का हो गया और सिक्योरिटी फ़ीस का हो गया। अब अगर आपको ये समझ में ना आया हो जो भी अभी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपका अभी भी कोई स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन रह रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।